हेलो गाइस, नाउ वी विल रन द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो गाइस, थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू हीट इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। हियर गाइस, टेम्परेचर भी हो सकता है या टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में कहीं पे दिया रहेगा तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस भी हो सकता है। तो गाइस, हम थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालना। ये जो हीट है गाइस, ये बेसिकली एक एनर्जी है। तो हीट एनर्जी इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे टेम्परेचर लिख ले हैं, टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा टी होता है, इनटू टाइम। कहीं पे टेम्परेचर थीटा में भी दिया दे सकता है, थीटा टू माइनस थीटा वन ऐसे भी दिया जा सकता है। तो गाइस, हीट एनर्जी एक बेसिकली एनर्जी है। हीट एनर्जी, वर्क डन एनर्जी, जो तरह की एनर्जी होगा उसका डायमेंशन और उसका जो एसआई यूनिट होता है सेम होता है। तो जैसे कि गाइस, इधर हम लोग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सपोज गाइस हम लोग काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं सपोज। तो गाइस, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर, इससे काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे बहुत सिंपल तरीका से, 1/2 mv2। तो ये हो जाएगा 1/2, जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसे पूछ लूंगा m। तो m का हो जाएगा क्या हो जाएगा, m मतलब कि मास। तो kg, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी इज रिटन एज, केजी को ऐसे लिख सकते हैं, केजी इज रिटन इन डायमेंशन एम, कैपिटल एम। अब मीटर स्क्वायर इज रिटन कैपिटल एल, थेर स्क्वायर, एल स्क्वायर। और सेकेंड माइनस, तो टी सेकेंड स्क्वायर कैपिटल टी पावर -2। तो गाइस, ये काइनेटिक एनर्जी का हमारा डायमेंशन हो गया। कभी जो एनर्जी, जो भी तरह का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी, इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 होता है। आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस, हम लोग को हीट एनर्जी का निकालना है, हीट एनर्जी। तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, विच इज रिटन इन टर्म्स ऑफ एल, कैपिटल एल इंटू एल। बाय एरिया का भी, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर, कैपिटल एल स्क्वायर। इंटू टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, तो डायमेंशन भी के हो जाएगा। इंटू टाइम का होता है सेकेंड, विच इज ऐसा यूनिट और लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी इन डायमेंशन। तो गाइस, यहाँ पे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो बच जाएगा एम इंटू टी पे पावर -2 इंटू एल बाय के इंटू टी। तो गाइस, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे सब चीज को, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा एम एल टी पे पावर -3 और के पे पावर -1। तो गाइस, थर्मल कंडक्टिविटी का जो डायमेंशन होगा एम एल टी पे पावर -3 के पे पावर -1, यही इसका डायमेंशन हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, क्या बेसिक है उसका, हमेशा आपको याद रखना चाहिए। हर एक चीज़ का आप डायमेंशन बहुत ईजी तरह से निकाल सकते हैं। तो गाइस, आप जैसे देख सकते हैं, एम एल टी पे पावर -3 के पे पावर -1। यहाँ पे एम डिनोटेड फॉर एम एल, कैपिटल एल, टी पे पावर -3 टेम्परेचर के लिए, ये टाइम के लिए, सॉरी गाइस टाइम के लिए, और के पे पावर -1 टेम्परेचर के लिए। तो गाइस देखिए, थर्मल कनेक्टिविटी का हम लोग निकालें, इधर से हम लोग एनर्जी का निकालें, बाकी हम लोग को पहले से ही आता था। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।